Good morning, all the students. Today I am going to teach you gender. In English, there are four types of gender. बच्चों English पे gender चार प्रकार के होते हैं. Gender की हिंदी होती है लिंग. और इनका ज्ञान अति आवश्यक है. Without knowledge of gender, it is not possible to understand the real meaning of the sentence. This is why pay attention to what I am going to teach you about gender. बच्चों देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर चार प्रकार के होते हैं और चारों को मैं एक एक करके बताऊंगा. पहला है मास्कुलाइन जेंडर, मास्कुलाइन जेंडर. और दूसरा है बच्चों फेमिनाइन जेंडर. दूसरा कौन सा है? फेमिनाइन जेंडर. दूसरा है फेमिनाइन जेंडर. अब तो मास्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग. अब हम आपको बताते हैं बच्चों मास्कुलाइन का मतलब पुल्लिंग. इसको लिखेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग है. ये फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग. कॉमन का मतलब उभयलिंग, उभयलिंग. और इसका मतलब चौथे का नपुंसक लिंग. नपुंसक लिंग ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. टेट में तो जरूर पूछा जाता है कि कौन सा जेंडर है. मास्कुलाइन जेंडर में क्या आएगा, और आगे चल के जब मैं एक्सरसाइज दूंगा तो आपसे पूछूंगा कौन सा जेंडर, राइट द जेंडर. तो मास्कुलाइन जेंडर में पुल्लिंग है, अर्थात जितने भी पुरुष वर्ग होते, जैसे है मैन है, किंग है, ये जितने भी हैं, जैसे राम है, बॉय है, ये सब किस में आ रहे हैं? मास्कुलाइन जेंडर में, क्योंकि ये पुरुषों से संबंधित है. अच्छा, उसके बाद फेमिनाइन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग. जैसे मैन का इस फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? वुमन. किंग का क्या हो जाएगा? QUEEN. और राम है, राम पुल्लिंग है, लेकिन अगर हम सीता कहेंगे तो सीता जो है फेमिनाइन जेंडर हो जाएगी. और बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल. उसी तरह बॉय लैड है तो लैड माने क्या होता है? लड़का. उसी तरीके से अच्छा कॉमन जेंडर में क्या होता है? तो कॉमन जेंडर में क्या होता है? वो दोनों में आता है, मतलब वो स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है. उसको कहते हैं उभयलिंग. जैसे टीचर, टीचर पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है. इन द सेम वे स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉयज स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं. और सर्वेंट नौकर, नौकर में कुल मिलाकर नौकर है, नौकर में दोनों आ सकते हैं महिला और पुरुष, इसलिए इनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं. न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, जिसमें कोई जात नहीं होती. जैसे पेन है, बुक है, टेबल है, चेयर है और मिरर है, जिसमें कोई जात नहीं होती है उसको हम कहते हैं. अब इसके बाद हम एक्सरसाइज देंगे, उस एक्सरसाइज में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा जेंडर है. और ये तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से जरूर पढ़िएगा. अगर एक बार समझ में आए तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बार-बार पढ़ते रहो. दैट्स ऑल.